हेलो स्टूडेंट, लेट सी दिस क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ई रेज पावर साइन एक्स माइनस ई रेज पावर माइनस साइन एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0 इज। बच्चों अपन को सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो अपन को ई रेज पावर साइन एक्स दे रखा है, अपन इसको जो है ना टी मान लेते हैं, तो ये टी हो जाएगा। और ई रेज पावर माइनस साइन एक्स दे रखा है, तो उसको अपन ई रेज पावर माइनस का साइन एक्स दे रखा है, तो इसको अपन वन अपॉन ई रेज पावर साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टी माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब जो है ना एलसीएम ले, तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस का 4 टी और माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। यहाँ से जो है ना अपन अगर टी का वैल्यू निकालें, तो टी आ रहा है 4 प्लस माइनस अंडर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस का 4 और बाय में वो आ रहा है। यहाँ से देखें तो ये टी इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 2 आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो इसको कैंसिल करें, तो टी इक्वल टू यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 यहाँ से 4 रूट अंडर 4 को बाहर लाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर बच जाएगा। तो ये 2 प्लस माइनस रूट 5 आ जाएगा टी का वैल्यू। ठीक, ने क्या मान रखा है, टी मान रखा है ई रेज पावर साइन एक्स। एक तो अपना 2 प्लस रूट 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा ई रेज पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन एक्स निकाले, तो साइन एक्स अपना आ रहा है लॉग 2 प्लस रूट 5 और बेस में ई, और यहाँ पे देखें तो यहाँ से साइन एक्स आ रहा है लॉग 2 माइनस रूट 5 और बेस में ई आ रहा है। तो यहाँ से देखें तो 2 माइनस रूट 5 जो है ना लेस देन 0 आ रहा है। तो ये अगर लॉग के अंदर ये पावर जो है ना निगेटिव आ जाएगा, तो ये अपना डिफाइन नहीं होगा, यहाँ से एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो 1 प्लस 5 जो है ना ग्रेटर देन ई आ रहा है, ग्रेटर देन ई आ रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू जो है ना लॉग 2 प्लस रूट 5 बेस ई का वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 1 आएगा। और साइन का वैल्यू अपना जो है ना वो किसके किसके बीच में होता है, 1 से छोटा और बराबर और माइनस 1 से बड़ा और उसके इक्वल में होता है। यहाँ से भी जो है ना कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो बोल सकते हैं इस इक्वेशन का जो है ना कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अपना जो है ना ऑप्शन थर्ड जो है ना करेक्ट हो जाएगा।